तो दोस्तों हाइसेंस टीवी और वीयू टीवी, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और हमें कौन सा टीवी बेस्ट देखने को मिल जाता है ये देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों बता दूं, मैं हाइसेंस टीवी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा तब जाके यहाँ पे हाइसेंस टीवी के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला है। वीयू टीवी पहले लॉन्च हुआ है तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो दोस्तों फर्स्ट मैं आपको बता दूं इन दोनों के मॉडल नंबर। तो हाइसेंस टीवी का यहाँ पे मॉडल नंबर आपको 43A71F देखने को मिल जाता है और वीयू टीवी का 43PM ये मॉडल नंबर है। यहाँ पे अगर मैं दोनों भी टीवीज के वेट के बारे में बात करूँ तो 6.9 kg का वेट है दोस्तों। और पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो यहाँ पे हाइसेंस टीवी को 75 वॉट की पावर कंजम्पशन लगती है और आपका वीयू टीवी 100 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। यहाँ पे दोनों भी टीवी के अगर मैं बैक साइड के मटेरियल की बात करूँ तो दोनों भी प्लास्टिक का है, बट यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है तो जल्दी से इस पर क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। दोस्तों दोनों भी टीवी के साथ आपको इंस्टॉलेशन फ्री देखने को मिल जाता है, तो आप घर पे खुद से इंस्टॉल मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करने जाते हो और आपकी वजह से कुछ भी डैमेज होता है या फिर प्रॉब्लम आता है तो आपको इन दोनों भी टीवीज का वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, एंड आपको ये वैसे भी फ्री मिलने वाला है। दोनों भी टीवी के अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पे हाइसेंस टीवी में आपको 5 ईयर की वारंटी देखने को मिलने वाली है उस पैनल की, बट ये अभी लिमिटेड ऑफर है थोड़े ही टाइम के लिए। बट अगर वीयू की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेगुलर 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है और ये हाइसेंस टीवी का ऑफर खत्म होने के बाद आपको इसकी भी 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलने वाली है। और दोनों भी टीवी के साथ आपको वॉलमाउंट स्टैंड देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है, बाकी बहुत सारे टीवीज के साथ नहीं देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं आपको अलग से ही बता रहा हूँ। ये दोनों भी टीवीज 43 इंच के हैं, इन दोनों में ही आपको 4K देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। 178 डिग्री का वाइड एंगल है और आपको इसमें डॉल्बी विजन देखने को मिल जाता है, जिससे क्लैरिटी और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। HDR10 की वजह से आपको जो शार्पनेस देखने को मिल जाती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। अगर वाइड व्यू की बात करो तो यहाँ पे आपको 178 डिग्री का वाइड एंगल देखने को मिल जाता है, मतलब आप टीवी को अगर साइड से भी देखते हो किसी भी एंगल से तो आपको टीवी बढ़िया देखने को मिलेगा। इन दोनों भी टीवीज में आपको ब्राइटनेस बढ़िया देखने को मिल जाता है। हाइसेंस टीवी में आपको 350 देखने को मिल जाता है, वीयू टीवी में आपको 400 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करो तो दोनों ही टीवी में आपको डायरेक्ट LED पैनल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको हाइसेंस टीवी में 4000.1 स्टैटिक देखने को मिल जाता है और वीयू टीवी में आपको 1000.0 स्टैटिक देखने को मिल जाता है। दोनों ही टीवी में आपको रिफ्रेश रेट 60Hz का देखने को मिल जाता है, जो कि डिसेंट है। और दोनों ही टीवी में अपस्केलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे AI अपस्केलर है, यहाँ पे आपको VOD अपस्केलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली मैं बता दूँ, आर्टिफिशियल अपस्केलर है और यहाँ पे जो केबल के थ्रू आप कनेक्ट करते हो सिग्नल है वो क्वालिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे आपको पिक्चर की क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियली आपको क्वालिटी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, अपस्केलर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देता है। हाइसेंस टीवी में आपको 10 बिट का पैनल देखने को मिल जाता है, वीयू टीवी में आपको 8 बिट का पैनल देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली बता दूं 8 बिट और 10 बिट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है दोस्तों। बढ़िया देखने को मिल जाती है 10 बिट वाला पैनल और 8 बिट वाला भी बढ़िया है, बट 10 बिट के मुकाबले आपको 8 बिट में थोड़ा कम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। दोनों भी टीवी के अगर प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर दोनों ही टीवी में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको बड़ा चेंजेस देखने को मिल जाता है। हाइसेंस टीवी में 1 GB की रैम है, वीयू टीवी में आपको 2 GB की रैम देखने को मिल जाती है। हाइसेंस टीवी में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, वीयू टीवी में आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों भी टीवी में आपको एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों ही टीवी OTT प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, वीडियो प्राइम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ये दोनों भी टीवी सपोर्ट करते हैं। और इस टीवी को अगर आप आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो iOS डिवाइस हो या फिर एंड्रॉयड डिवाइस हो, दोनों भी टीवी के साथ बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों भी टीवी के ऑडियो की बात करो तो यहाँ पे 24W के दोनों ही स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूं फ्लिपकार्ट से थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है। ऊपर की साइड में उन्होंने 30W के स्पीकर बताए हैं और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में उसने 24W के स्पीकर्स बताए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लिपकार्ट से गलती हो गई है,
बट इसमें आपको 24 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों भी टीवी के स्पीकर्स डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं और वी टीवी में आपको एक्स सराउंड साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा चारों ओर से साउंड सुनाई देने वाला है। दोनों में आपको एक्सटर्नल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्लॉक हो गया, स्लीप हो गया, चाइल्ड लॉक हो गया, पेरेंट्स कंट्रोल हो गया, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोनों भी टीवी के रिमोट के बारे में बात करो तो हिसेस टीवी में आपको RF कनेक्टिविटी वाला रिमोट देखने को मिल जाता है और वी टीवी में आपको IR कनेक्टिविटी वाला रिमोट देखने को मिल जाता है। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, और यहाँ पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। हिसेस टीवी का रिमोट 9 मीटर से भी आराम से वर्क करता है, 9 मीटर तक। दोनों भी टीवी के रिमोट के साथ आप वॉइस कमांड से एक्सेस कर सकते हो, आपको डेडिकेटेड गूगल का बटन देखने को मिल जाता है। दोनों भी टीवी के रिमोट में आपको हॉटके देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वीडियो प्राइम, ये सारे डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाते हैं। इन टीवी के कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, दोनों में ही देखने को मिल जाता है। हिसेस टीवी में आपको वाईफाई में थोड़ी कनेक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बैंड 2.4 और बैंड 5 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे HDMI के 3 पोर्ट दोनों ही टीवी में देखने को मिलने वाले हैं, USB के 2 पोर्ट दोनों ही मिल जाते हैं, हेडफोन जैक कनेक्टिविटी दोनों में ही आपको देखने को मिल जाती है, इथरनेट का पोर्ट दोनों ही टीवी में आपको देखने को मिल जाता है और ऑडियो इनपुट का भी यहाँ पे दोनों ही टीवी में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों के ही प्राइस बता दूँ, हिसेस टीवी का 25,999 रुपीस प्राइस है और वीयू टीवी का आपको 26,999 रुपीस, इतना प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप चाइना का ब्रांड प्रेफर कर सकते हो तो आप हाइसन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। आपको यहाँ पे 10 बिट का पैनल देखने को मिल जाता है, वाईफाई भी बढ़िया है और पिक्चर क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगर VUTV की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1,000 से प्राइस ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। VUTV भी बहुत दिनों से मार्केट में चलता आ रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों, इसकी सर्विस भी बढ़िया है, तो आप VUTV भी बाय कर सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है दोस्तों, दोनों ही टीवी के मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए हैं, आपको जो भी पसंद आए आप बाय कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।